Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. In another very very important lecture for your political science and international relations free crash course. Right, our lecture 15, hai and we are looking India and the world. Se jude lectures. Okay. Now, India's bilateral and multilateral relations hai, ye obviously are obviously of great कॉन्सिक्वेंस और आज जो है हम इसी तरह के कुछ रिलेशनशिप्स को देखेंगे एक होगा हमारा सेगमेंट ऑन इंडिया अफ्रीका एंड द अदर विल बी अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक विच इज़ ऑफ इंडिया यू एस एंड ये दोनों ही इश्यूज़ जो हैं पी वाई क्यूज के थ्रू हम इनको देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो आपको इनसाइड भी मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आपने इनको करना होता है

एंड सिक्स फुल एंड टेस्ट ऑफ टू फिफ्टी मार्क्स ईच इसके अलावा यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स फ्रॉम जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स राइट जो कि बहुत ही कॉम्प्रीहसिव है और आपको समरीज ऑफ आर एडिटोरियल्स की कंपाइलेशन जो है वो भी उसका पी डी एफ जो है मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा टाइमली डिटेल्ड फीडबैक एंड इवेल्यूएशन है यहाँ पे राइट सो दैट आप जो है अपने आप को कम्प्लीटली डेवलप कर सकें टू स्कोर द मैक्सिम पॉसिबल मार्क्स इन पी एस आई आर ऑप्शन हो जाएगी फोर्थ जुलाई ऑनवर्ड जो है आपके लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे तो अभी जो है आखिरी के कुछ दिन हैं जब हम टेन परसेंट डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं बायर द कूपन कॉर्ड जुलाई टेन है तो आप उसको अप्लाई करके टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन आर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं राइट विथ स्टार्ट फ्रॉम इलेवन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन विच इंक्लूज ओवर थ्री हंड्रेड लेक्चर्स कंप्लीटिंग इंटायर पी एस आई आर सिलेबस मंथली करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ ही में आपके चार एच एल टीज एंड दो फुल लेंथ टेस्ट ठीक है आप चूज़ कर सकते हैं आपको विदाउट इवेल्यूएशन चाहिए विद एवैल्यूएशन चाहिए एंड वेदर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए कि नहीं साथ ही में आपको एक्सेस मिलेगा टू अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं उनको रेज़ कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो आ, कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दो तीन दिनों से भी कि नाउ नॉट जस्ट योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स बट यू कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ऑफलाइन क्लासरूम रूम प्रोग्राम कि ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई से इसकी ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगी एंड फर्स्ट ऑगस्ट से जो है क्लासेज इसकी शुरुआत हो जाएगी ठीक है तो ऑफ़लाइन क्लासेस के साथ साथ ही अब आपको लाइव क्लासेस का जो है भी ऑप्शन मिलेगा यही सेम डेट्स पे जो है ये शुरू होगी सो तो अगर आप दूर बैठे हैं और आप ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखने हैं तो आप ये लाइव क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं इन सब की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी ये ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम एंड लाइव क्लासेज आर अवेलेबल फॉर जनरल स्टडीज कोर्स आप टू ऑप्शन सोशियोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ ना दिस क्वेश्चन ट्वेंटी के अंदर ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ट्वेंटी मार्कर है ना वेन यू लुक एट इंडिया अफ्रीका रिलेशन ना हमेशा इंडियन अफ्रीका पे आएगा ऐसे नहीं आएगा कि आप इंडियन युगांडा के रिलेशनशिप के बारे में बता दो या फिर इंडियन मोजाम्बिक के रिलेशनशिप के बारे में बता दो ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है विजिट्स करते हैं जब भी पी एम मोदी तब भी आपने देखा होगा दी एंड विजिटिंग चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो डिफेंस uh, मिनिस्टर हो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो दे ऑलवेज एंड अप विजिटिंग अ कपल ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज टुगेदर तो जब भी इंडिया अफ्रीका की बात होती है एक बायोलिट्रल टर्म्स पर बात होती है बट नॉट जस्ट विद एवरी अफ्रीकन कंट्री बट विद द इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ओनली ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हमेशा ही इंडिया अफ्रीका पे बहुत आ, जो है जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं आपको जो ये आंसर्स में डिटेल दूंगी वही आंसर जो है आप ऑलमोस्ट हर जगह विद सर्टन ट्वीकिंग्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके बियॉन्ड आपको इंडिया अफ्रीका पे और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप एक एक कंट्री स्पेसिफिक एक एक ट्रिप के बारे में इतना ज़्यादा ऐड कर रहे हो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी आपने इनपुट आउटपुट अप्रोच भी यहाँ पे जो है अपनानी है कि मैं कितना इनपुट डाल रहा हूँ और उसकी कितनी आउटपुट मिलेगी सो वेन इट कम्स टू इंडिया अफ्रीका रिलेशन वट एवर हैज़ बीन गिवन इन दिस आंसर ना दैट इज मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव उसके बियॉन्ड बहुत ही जो है इनफैक्ट कुछ भी नहीं होता जो कि इंडिया अफ्रीका में इसके बियॉन्ड हो राइट बिकॉज देर आज देर अ सर्टन ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूटी जो कि इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशनशिप में चलता आ रहा है एंड इन्हीं चीज़ों के आसपास जो है वो घूमता रहता है ठीक है अब जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की तो इसको देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कहते हैं हाउ डू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस सीक टू इंक्रीज द हार्मनी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका था ये 2020 का क्वेश्चन ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ये 2018 के हैं राइट पीएम मोदी हैड विजिटेड युगांडा की पार्लियामेंट एंड वहां पे उन्होंने एक एड्रेस दिया था एंड उसके बियॉन्ड जो है ये दस गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं इन किए गए थे फॉर इंडिया अफ्रीका रिलेशंस एंड यही दस गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं बस चलते जा रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट डेकेड उन्होंने बोला था कि यही जो है फॉलो करेंगे राइट right? एंड अगर आप उन दस गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी देख लेते हो ना ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जिसकी से यूपीए गवर्नमेंट ने बात नहीं की थी तो ब्रॉड कंटिन्यूटीज जो है इंडिया अफ्रीका रिलेशन की वो चलती ही जा रही है राइट right? अब वेरी इंपॉर्टेंटली जब भी ऐसा इंडिया अफ्रीका का जैसे ये क्वेश्चन है किस तरह से आप इसको अप्रोच करोगे अब इन्होंने पूछा कि देखो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ये किस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं हारमोनियन कोऑपरेशन को तो सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन दीजिए इंडियन अफ्रीका के एक जो रिलेशनशिप है मच लाइक like जब हम साउथ ईस्ट अपने साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स की बात करते हैं सिमिलर हिस्टोरिकल कल्चरल डायस्पोरा कनेक्ट जो है अफ्रीका के साथ भी है कि देखिए हिस्टोरिकली हमारे बहुत रिलेशन रहे हैं राइट right? तो इनफैक्ट the entire idea that indian ocean has been a geographical connect between both these continents the african continent and the indian subcontinent mein a number of diaspora connections बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग द कलोनियल टाइम जो है फोर्स करके लेके गए थे टू वर्क एज ए इंडेंचर्ड लेबर इन अफ्रीका एज वेल तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज अ लॉट ऑफ देम आर आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल न्यू एज डायस्पोरा भी जो, 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 गारे जो, गारे जो तो है वहाँ पे बहुत गया है इंजीनियरिंग जॉब्स में डेवलपमेंटल जॉब्स में जो कि अफ्रीका में आप देख सकते हैं ठीक है कल्चरल कनेक्ट जो है बहुत है इंडिया की जो गुडविल वो बहुत है क्योंकि आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है एक लीडर था ऑफ डिकोलोनाइजिंग केम टू अफ्रीका अंडर द नेहरूवियन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इन बाइंडिंग अफ्रीका रिलेशंस तो एक कनेक्ट है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं देन ऑब्वियसली यू कैन मूव टूवर्ड्स दिन गाइडिंग प्रिंसिपल अब प्लीज ये अप्रोच मत रखिए कि आप दस के दस प्रिंसिपल्स को जो है लिखने बैठ जाइए नहीं वो दस गाइडिंग प्रिंसिपल्स किस चीज को हाईलाइट करने है आपने बस उसके ऊपर फोकस करना है एंड वो सारे ही ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बहुत ही बेसिक आइडियाज हैं सो इवन इफ यू डोंट नो ना कि दस गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं मोस्टली जब भी हम इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात करते हैं ना वही कुछ चीजें सामने आती हैं बहुत पहले आपके जो कांस्टेंट कांस्टेंट कॉन्स्टेंटेनियो जावियर करके जो है एक स्कॉलर हैं जो कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे लिखते हैं एंड उन्होंने भी छह गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो दिए थे आप देखेंगे बहुत सिमिलर हैं इन दस गाइडिंग प्रिंसिपल से भी जो कि पीएम मोदी बात करते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल कोऑपरेशन की पीस कीपिंग की टेररिज्म को हटाने की ग्रेटर इन्वेस्टमेंट लाने की यही जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी सेम बात करते हैं वी मूव टूवर्ड टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस ठीक है किसी भी एक holistic answer के अंदर आपने चैलेंजेस हमेशा पॉइंट आउट करने होते हैं अब हारमनी एंड कोऑपरेशन की जगह अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द मेन फैक्टर्स और इश्यूज़ ऑफ़ हिंड्रेंसेज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन्स तो आपने ये ही चैलेंजेस जो हैं इनको कोट करना है एंड देन ऑब्वियसली इन कंक्लूजन यू एंड विद अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कौन से पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं कौन से पॉइंट्स ऑफ बेटर कोऑपरेशन एंड कॉर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका जो है हो सकते हैं एंड आफ्टर यू कवर ऑल ऑफ दिस आपका एक बढ़िया आंसर जो है तैयार हो जाता है ठीक है तो इंडिया अफ्रीका ना काफी लो हैंगिंग फ्रूट है आप इतना ही रिवाइज करके चले जाए आप इतना ही लर्न करके चले जाए इट इज मोर देन इनफ टू टैकल दिस एनी क्वेश्चन व्हेन कम्स रिगार्ड टू इंडिया एंड अफ्रीका ठीक है

इंडिया के अंदर खोजाज एंड बोहरा कम्युनिटीज जो हैं उनका एक अफ्रीका कनेक्ट जो है वो माना जाता है ठीक है तो इवन इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स जो है हिस्टोरिकली वो एग्जिस्ट करते आए हैं 1920s onwards, जैसे जैसे इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई वैसे वैसे द इंडियाज नेशनल मूवमेंट बिकेम अ ह्यूज फैक्टर फॉर डी डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स इन अफ्रीका एज वेल ठीक है एक मेजर कनेक्ट तो हम गांधी जी को ही मानते हैं राइट साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी वहां पे उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी बिफोर ही केम बैक टू इंडिया ठीक है तो गांधी जी एक मैसिव कनेक्ट है नेल्सन मंडेला गांधी जी से जो है इंस्पायर हुए थे उसके बाद भी चाहे वो फ्रेंच डोमिनेटेड कंट्रीज़ हो चाहे वो ब्रिटिश डोमिनेटेड कंट्रीज हो जर्मनी डोमिनेटेड हो हर जगह जो है इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन के लिए आवाज़ उठाई थी राइट सो दैट बिकेम दैट जनरेटेड अ लॉट ऑफ गुडविल इन अफ्रीका फॉर इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस नेहरू जो है वॉज ऑल्सो दिस वन ऑफ दि स्टॉलवर्ट लीडर्स अगेन जब हम बात करते हैं नैम की भी तो नैम के जो फाउंडिंग पार्टनर्स थे इनके अंदर भी दो अफ्रीकन स्टेट्स जो है उनका मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन था ठीक है इजिप्ट के नासिर एंड घाना के लीडर नखरूमा ठीक है दोनों ही ग्रेट अफ्रीकन लीडर्स जो है वर आल्सो वन ऑफ द टू ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट ठीक है तो इसके कारण भी जो है काफ़ी हिस्टोरिकल रिलेशंस बनते आए हैं बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका नाउ इवन व्हेन वी लुक एट वेरियस फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरन पॉलिसी अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप जो हैज़ बीन वन ऑफ द Foundational elements of India's foreign policy. So when we look at पंडित नेहरू एंड द फेज ऑफ आइडियालिज्म पॉलिसी नेहरू ने टाइम एंड अगेन स्टेट किया था कि देखिए जब तक अफ्रीका की लिबरेशन डीकोलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है पूरी तब तक नहीं होती तो कितनी बड़ी एक ये स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट के साथ जो एक कनेक्ट जनरेट हुआ था दैट वॉज फर्दर कॉन्क्रिटाइज बाय लाइन मूवमेंट एज वेल उसके अलावा यूपीए के दौरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह Highlighted that how the India Africa relationship is actually an example of a genuine two way street. Rather than almost a form of de neo colonial relationship that China has tried to impose on African countries. Even with the coming in of the Modi era government, Prime Minister Modi also throughout his various visits, be it to Uganda, Mozambique, so on and so forth, has continuously highlighted that how the India Africa partnership, Johe is a very emotional. लोगों से जुड़ी जो है पार्टनरशिप है सो so, इसमें से स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक कंसर्न्स नहीं है बल्कि एक जेन्यून कंसर्न फॉर वन एंड जो है रिफ्लेक्ट करता है एंड इसी को फुलफिल करते हुए 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जैसे कि मैंने बताया था युगांडा के अंदर एक दोनों ही बाईलेटरल एंड मल्टीलेट्रल विजन को हाईलाइट किया सो इन टर्म्स ऑफ इंडिया डीलिंग विद इंडिविजुअल अफ्रीकन कंट्रीज as well as dealing with african continent as a whole india ne in ten guiding principles ko guidelines ki tarah dekha, jinke basis pay india wants to develop a full fledged thriving relationship with africa right now what are the main contours of these ten guiding principles that is the first thing that we have to understand right now the first thing very very imperative very very important which has in fact been the approach in every almost every prime minister's foreign policy towards africa and which india tries to highlight time and again which is africa first approach right so india jo hai highlight karte hai that throughout africa's history in fact 1960s onwards hi jab india khud a growing developing country tha dealing with its own problems india has been actively developing and contributing towards a development strategy and agenda for अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इसी के लिए अ नंबर ऑफ वेंचर्स हैव बीन डेवलप्ड जिनके बेसिस पे बहुत सारी डेवलपमेंट की जाती है जो कि ओरिएंटेड है नॉट जस्ट फॉर से इंडिया के प्रॉफिट मेकिंग बट इनफैक्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है उसकी कपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑपरचुनिटी क्रिएशन के अंदर जो है ये मैसिवली हेल्प करती है तो द यूथ ऑफ्रीका अफ्रीका के लिए जो है ये सेंटर है तो हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आई जो है जो इंडिया की टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इनफैक्ट इसी आई टेक कोऑपरेशन के अंदर जो है हेल्थ health... प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया गया था टू डील विद कोविड नाइन्टीन पैंडमिक वेन नो अदर कंट्री नो अदर सुपर पावर टेकिंग केयर ऑफ अफ्रीका इंडिया हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कोवैक्स के अंदर जो है जो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी तो चलाई ही चलाई थी ठीक है इसके अलावा प्रोजेक्ट्स है टेली एजुकेशन पे है टेली मेडिसिन पे है ये हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंडिया ने बहुत ही मैसिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया है

वो भी एक्सपोज होती आ रही है ऑन दी अदर हैंड इंडिया हैज़ ट्राइड टू बिल्ड ऑन द टू वे स्ट्रीट अप्रोच जो कि इंडिया हमेशा हाईलाइट करता है बाय इंक्रीजिंग द बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम आल्सो एंड साथ ही साथ में बाय इंक्रीजिंगली प्रॉमिसिंग टू यू नो इंक्रीज इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका टू क्लोज टू हंड्रेड बिलियन डॉलर अब कितना फुलफिल कर पाएंगे हम ये प्रॉमिस बिकॉज इंडिया की चाइना जैसी डीप पॉकेट्स तो नहीं है बट इंडिया जितना हो सके जो है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है Then, very importantly, another major principle and guiding factor has been India's steps to improve Africa's agriculture. Now, the African continent, especially considering the climate change and other crises, has

अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बेटर हो जाएंगी तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी इंक्रीज प्रोडक्शन होगी जिसके कारण इस तरह के जो स्टावेशन हंगर वाली प्रॉब्लम्स है विच अफ्रीकन कंट्रीज विटनेस उनको भी कम किया जा सकता है तो इनफैक्ट इंडिया के पास खुद का एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है नाइनटीन में हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की थी उसके कारण इंडिया फ्रॉम बिकाम बींग अ फूड डिपेंडेंट कंट्री अब एक फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है एंड इन्हीं अपने एक्सपीरियंसेस से इंडिया जो है अब अफ्रीका को भी कुछ लर्निंग लेसन देना चाहता है इंक्लूडिंग द ट्रिपल ए फॉर्मैट ट्रिपल ए क्या है दिस इज दॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट आर अप्रोप्रिएट मतलब अफ्रीका की जो कंडीशन है चाहे वो जियोग्राफिकल कंडीशन हो क्लाइमेटिक कंडीशन हो राइट right? उन सब के लिए ये अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस हैं देन अडेप्टबल हैं ऐसी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस ऐसी कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज इन इंडिया जो कि ईजिली मोल्ड एंड अडेप्ट की जा सकती है टू द अफ्रीकन कंडीशन एंड साथ ही साथ में अफोर्डेबल हैं मतलब जो ऐसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिनकी पॉपुलेशन के पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है वो भी इनको ईजिली अपना सकती है और इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है ठीक है तो ये ट्रिपल ए फॉर्मेट की तो टेक्नोलॉजी है फॉर एग्रीकल्चर दिस कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर स्पेशली फॉर सब्सिस्टेंस एंड स्मॉल फार्मर्स जो कि अफ्रीका के अंदर हैं। साथ ही साथ में एग्री बिजनेसेस जैसे कि इंडिया ने इसराइल के साथ बहुत डेवलप किए हैं इंडिया अफ्रीका के साथ भी जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स जिसके थ्रू अफ्रीका भी गेन कर पाए एंड इंडिया भी तो एग्रीकल्चर में भी हम एक सम गेम अप्रोच जो है उसको फॉलो करने की कोशिश

इन अफ्रीका जो है उनमें इन्वॉल्व रहे हैं इनफैक्ट in इंडिया के ही एक ऑल फीमेल पुलिस यूनिट ऑन पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है इन लाइबेरिया भी गए थे 2016 में विच वॉज सीन एज अज कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडरिंग सेक्शुअल हैरसमेंट अब्यूज बाय द पीस कीपिंग फोर्सेज हैज बीन अ मैसिव इशू वेन इट कम्स टू द कॉन्टिनेंट अनदर प्लेस वे अ गाइडिंग प्रिंसिपल इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स इंश्योरिंग कोऑपरेशन एंड हार्मनी इज़ इन फेस ऑफ कंट्रोलिंग टेररिज्म ना मच लाइक इंडिया अफ्रीका के अंदर भी उनकी जो वेरियस कंट्रीज है आ फेस्ड बाई अ नंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड फंडामेंटल ग्रुप्स तो अगर आप बोको हराम की बात कर ले अलशबाब की बात कर ले जमातल देदेवा अलकायदा इन सब ने जो है फुट होल्ड बना लिए हैं एंड ये कई बार एक्सप्लॉयड करते हैं अफ्रीका की जो सिविल स्ट्राइफ है एथनिक कॉन्फ्लिक्स हैं इन टू मेकिंग दैम फुल फ्लैज

इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली बोथ इंडिया एंड अफ्रीका अ कमिटेड जस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर इनफैक्ट दिस वॉज समथिंग दैट इवन एम एस जयशंकर इन कॉन्वर्सेशन मोहन ने हाईलाइट किया था कि देखिए एक जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस साउथ साउथ कोऑपरेशन में टू डेवलप अ जस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर इंडिया हैज़ टू कंटिन्यूअसली इंगेज विद अफ्रीका राइट बिकॉज बोथ इंडिया एंड अफ्रीका आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्लोबल साउथ का ब्लॉक ठीक है तो डिसीजन मेकिंग चाहे वो यूएन के अंदर हो डब्ल्यू के अंदर हो हर जगह जो है इंडिया एंड अफ्रीका ने काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट किया है ऑन इश्यूज ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑन इश्यूज ऑफ ट्रेड ऑन इश्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट राइट फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका एंड इंडिया द कंट्रीज जिन्होंने पहली बार आई वेवर विद रिगार्ड टू कोविड नाइनटीन वैक्सीन एंड ड्रग्स जो है आगे रखा था राइट सिमिलरली आपकी इशूज हो गए विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज इन सब पे भी जो है ये दोनों काफी ज्यादा कोर्डिनेट करते हैं तो ये प्राइमरी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके कारण काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन निकल के आ गई है हाउएवर डिस्पाइट इज डेवलपमेंट देर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं अब ये चैलेंजेस क्या हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अफ्रीका रिलेशंस द पहला चैलेंज जो कि एग्जिस्ट करता इज विद रिगार्ड टू सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज वैल इंडिया इज हार्बरिंग अ सस्टेनेबल इन क्लाइमेट चेंज अप्रोच एंड इंडिया ने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को इन्वॉल्व किया हुआ है इवन इन इट्स इंटरनेशनल सोर सोलर अलायंस बट द काइंड ऑफ वे इन विच क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन इम्पैक्टिंग एफ्रीका एंड इट्स ग्रोथ इज नॉट सिमिलर टू हाउ इट्स बीन इम्पैक्टिंग इंडिया फर्द क्योंकि इंडिया जो है मच मच अहेड है इन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन अफ्रीका तो अफ्रीका के जो कंसर्न्स है बहुत ज़्यादा वैलिड बहुत अर्जेंट है कम्पेयर टू इंडिया जिसके कारण कई बार उनके बीच में टासल भी आ जाती है दिस इज समथिंग दैट बोथ विक्रम मेहता एंड डब्ल्यू पी एस सिद्धू हाईलाइट इन अ ब्रुकिंग्स इंडिया पेपर इसके अलावा इसी ब्रुकिंग्स इंडिया पेपर में एक और चीज़ जो कि हाईलाइट की गई है एज अ मैसिव चैलेंज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका इज फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के फॉरेन स्टाफ की तो इंडिया अभी भी बहुत अंडरस्टाफ है एंड ये अंडरस्टाफ जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आता है अफ्रीका के एम्बसीज़ में भी जहाँ अ नंबर ऑफ़ एम्बसीज़ के अंदर कई बार हाई कमिश्नर्स नहीं होते एम्बेसडर्स नहीं होते स्टाफ नहीं होता यहाँ पे आप पीस कीपिंग मिशन के बाद जो है उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं स्पेशली दी अब्यूज कमिटेड बाई पीस कीपिंग फोर्सेस जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप काफ़ी ऑकवर्ड एंड खराब भी हो जाता है देन वेरी इंपॉर्टेंटली वेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन अफ्रीका यहाँ पे भी इन एन ओ आर एफ आर्टिकल एम चक्रवर्ती हाईलाइट करते हैं दैट व्हेन इट कम्स टू अ स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट फॉर अफ्रीका इंडिया के पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है वही घिसी पिटी चीज़ें वो टाइम एंड अगेन रिपीट करते रहते हैं तो चक्रवर्ती दो मेन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं पहले वो कहते हैं देर इज नो डेवलपमेंटल गोल कॉन्क्रीट गोल आप हाईलाइट करो आप इतनी वेग एम्बिगुर्स बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास कर देते हो जो आपसे होती नहीं है सेकेंडली वो कहते हैं किन नहीं है डिफरेंट डेवलपमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स में आप लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहे हो आईटेक भी करवा रहे हो एक ई अफ्रीका पैन जो है प्रोजेक्ट वो भी चला रहे हो बट वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो सकते हैं टू क्रिएट होलिस्टिक डेवलपमेंट वो आपने नहीं सोचा है ठीक है इनफैक्ट इवन विध रिस्पेक्ट टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स चक्रबर्ती इज क्रिटिकल ऑफ दैम वो कहते हैं कोई नई चीज नहीं है बल्कि पिछले दस सालों से जो चीजें बोलते आ रहे हैं चीजों को आपने रिपीट कर दिया है सो इट्स न्यू बॉटल स्ट्रैटेजी नहीं, नहीं आई है टूवर्ड्साइडिंग प्रिंसिपल लास्ट बट नॉट द लीज देस देर नंबर ऑफ एफ्रीकन स्टूडेंट जो के आते हैं इंडिया टू परस्यू एडुकेशन ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेशियल वायलेंस इन डेली इन जलंधर अगेंस्ट जिसके कारण एक्सपीरियंस है उनका वो खराब हो रहा है एंड इन फैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ आर स्विचिंग टू चाइना एज एन एडुकेशन हब जिसके कारण अगेन इंडियन अफ्रीका रिलेशंस जो है किए जा सकते हैं नाउ आफ्टर दीज चैलेंजेस ऑब्वियसली इन कंक्लूजन यू नीड टू बी हाईलाइटिंग द वे फॉरवर्ड अब चक्रवर्ती कहते हैं द डिस्पाइट दीज इशूज देर आर वेरियस एवेन्यूज जहाँ पे हम काम करके फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है सबसे पहले तो कहते हैं और क्लियर बनाओ फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट ठीक है क्या आपके इमीडिएट गोल्स हैं क्या मीडियम गोल्स हैं क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं देन कितना पैसा जो है आप लगा सकते हो कौन कौन से एरियाज में लगाओगे ठीक है कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन के थ्रू लगाओगे इन सबकी क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए देन वेरी इंपॉर्टेंटली राधर देन जिस ट्रैक वन और ट्रैक टू इन्वॉल्व ट्रैक थ्री फोर अप्रोचेस एज वेल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उनको बढ़ाइए साथ ही साथ में प्राइवेट बिजनेस हाउसेज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज इंडियन डायस्पोरा इन सबको ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इनवाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन टू अफ्रीका एंड साथ ही में इंश्योर कीजिए कि आपकी जो प्रोजेक्ट्स जिनमें आप इन्वॉल्व होते हैं वो टाइमली कंप्लीट हो एंड वो ड्रैग ना होते जाए बिकॉज दिस क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी अफ्रीकन्स आ रहे हैं इंडिया में चाहे वो हेल्थ टूरिज्म के लिए हो चाहे वो एडुकेशन पर्पसिज़ के लिए हो लेट्स इंश्योर कि वो एक्सप्लॉयट ना किए जाएँ उनके अगेंस्ट कोई रेशियल वायलेंस ना हो एंड उनका एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहे इंडिया में बिकॉज यू नो दोज एक्सपीरियंसिस मैटर अ लॉट इन क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ इंडिया इन अफ्रीका ठीक है तो इन सब चीजों के ऊपर जो है काम करने की जरूरत है लास्ट बट नॉट द लीस हर्ष पं जो है आर्ग्यू करते कि देखिए हिस्टोरिकल रिलेशंस कल्चरल रिलेशंस के बारे में आप जितना मर्जी हाफ कर लीजिए बट आज अफ्रीका की जो कीमत है द काइंड ऑफ नेचुरल नैचुरलोर्स दैट इट हैज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इट हैज द काइंड ऑफ जियो यू नो जियोग्राफिकल लोकेशन दैट इट हैज इनके पास कोई ऑफ फ्रेंड्स नहीं है राइट right? रशिया हो चाइना हो यूएस हो सब इनके साथ एंगेज करना चाहते हैं तो इसलिए जरूरी है कि इंडिया भी अपनी अप्रोच को जो है आइडियलिस्टिक

ठीक है बहुत जरूरी है बिकॉज जैसे मैंने बताया ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है चाहे इंडिया का एजेंडा डब्ल्यू में हो यू uh, एन में हो यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट पाना हो एक परमानेंट सीट हर जगह जो है अफ्रीका एंड कंट्रीज विल बी ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिया चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन Next question is regarding India and US partnership, an extremely important question. Now, this question came in 2020, it was a 15 marker. Um, aap ki jo India and US ka jo defense and strategic relationship. Hai na, a number of scholars call it the spinal cord. ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन वो कहते हैं दिस इज द मेन प्लान जिसके ऊपर इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप जो है डेवलप हुआ है और ये स्पाइनल कॉर्ड पे कंटिन्यूसली जो है काम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना दिस क्वेश्चन स्टेट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी बढ़िया जो है ये हो सकता है तो चलिए इसको फटाफट हम देखते हैं अब सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सबसे पहले यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियाज पार्टनरशिप विद यूएस तो जैसे कि मैंने आपको बोला आप इन चीज़ों से बात कर सकते हैं देर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड को रिलेशन कन्वर्जिंग इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड यू एस सो चाहे वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर हो राइट चाहे वो रूल ऑफ लॉ को कमिटमेंट हो चाहे वो आइडिया ऑफ फ्री मल फ्री एंड फेयर वर्ल्ड हो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हर जगह जो है इंडिया एंड यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है होती है

मैसिव पुश मिली इंडिया यूएस रिलेशनशिप को राइट right? आप बात कर सकते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की एंड साथ ही में ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप्स एंड अग्रीमेंट्स की बिटवीन इंडिया एंड यूएस जिसके कारण पर्टिक्युलरली यूएस के इंटरेस्ट जैसे कि आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं इंडिया एंड यूएस एस के जो है बहुत सिमिलर इंटरेस्ट है वहां पे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है क्यों ये ज़रूरी है किस तरह से ज़रूरी है कौन कौन से फैक्टर्स है कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स के इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के लिए क्या एडवांटेजेस है इंडिया के लिए बाय डेल्विंग डीप इनटू अ स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद यूएस इन कंक्लूजन वी कैन टॉक अबाउट द चैलेंजेस विच स्टिल परसिस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन ऑफ वे फॉरवर्ड कि क्यों जरूरी है इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक फॉस्टरिंग अ गुड अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप ठीक है तो यहीं पे जो है हम आगे Now, importantly, Dennis Q. and a number of other scholars have talked about that how, since the Cold War, right? Cold War ke doran pe, we were called strange democracies. That both of these democracies, one of the world's oldest democracy and the world's largest democracies, despite so many commonalities, were at loggerheads with each other. However, in the aftermath, in the 21st century.

कीवर्ड क्या है यहाँ पे है ना यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस के लिए क्या इम्प्लीकेशन है ठीक है तो सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस के लिए कौन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है

बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया एंड यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आज के इस न्यूली डाइवर्स मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बैलेंस ऑफ पावर टूवर्ड्स डेमोक्रेसीज बनाने की कोशिश करती है साथ ही मैं इंश्योर करने की कोशिश करती है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर और हो ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर मल्टी मल्टीलेटरलिज्म उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी उसके अंदर रूल ऑफ लॉ जो है एम्बेड किया जा सके एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ इनहेरेंट नॉट जस्ट टू द यू कॉन्स्टिट्यूशन बट इन फैक्ट टू इंडिया एज वेल इसके अलावा एक और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इज़ द ग्रोइंग स्ट्रेटिजिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ इंडिया एंड यूएस ठीक है अगर हम स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप की बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली चाहे वो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक हो चाहे वो इकोनॉमिक इशूज हो चाहे वो ट्रेड वॉर्स हो यूएस uh, की चाइना के साथ या चाइना की इंडिया के साथ नहीं बनती है हर जगह जो है इंडिया हैं यूएस एस है रियलाइज दैट बोथ आर सेट टू गेन फ्रॉम दिस पार्टनरशिप इनफैक्ट फॉर्मर आपके जो यूएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर्मर 2017 तक भी थे अभी भी है यही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथनी ब्लंकिन है इन्होंने भी हाईलाइट किया है कि किस तरह से इंडिया एंड यूएस एस एंड बाट्रल इश्यूज पे जो है इंक्रीजिंगली कन्वर्ज कर रहे तो थर्ड राउंड ऑफ टू प्लस टू डायलॉग हुआ इंडो यूएस कमर्शियल डायलॉग जो है चल रहा है एनर्जी पार्टनरशिप चल रही है क्वाड जो है उसके ऊपर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन चल रही है तो हर जगह जो है इंक्रीज कोऑपरेशन की जा रही है चाहे वो स्ट्रटिजिक रिलेशंस हो या इकोनॉमिक रिलेशंस हो देन वेरी इंपॉर्टेंटली चाइना फैक्टर इज अगेन समथिंग व्हिच ड्राइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू राइट इन फैक्ट बाइडेन विद द कमिंग इन ऑफ जो बाइडेन आल्सो 2021 के अंदर जो इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी गाइडेंस थी उन्होंने डीपनिंग पार्टनरशिप विद इंडिया को एक क्रिटिकल फैक्टर माना स्पेशली टू बैलेंस चाइना इन साउथ एशिया एंड इंडो पेसिफिक ठीक है तो अब आपने जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंस तीन पॉइंट्स में हाईलाइट कर दिए जो मेन काउंट टूवर्स हैं इंडो यूएस पार्टनरशिप की बिकॉज यू हैव टू रियलाइज के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन दो पार्ट्स में है है ना पहली चीज डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड सेकेंड द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंप्लीकेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस तो आप बहुत ज्यादा टाइम जो है सिर्फ सिग्निफिकेंस में ही नहीं लगा सकते बिकॉज देन योर इंप्लीकेशन पार्ट विल गेट मिस्ड राइट तो यहां पर हमने ब्रॉड सारी चीजें हाईलाइट कर दी नाव वी गो ऑन टू द क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंप्लीकेशन क्या है इंडिया के सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस के लिए सबसे पहले तो राकेश सू जो है हाईलाइट करते कि किस तरह से दिस डीपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यू एस द स्ट्रेटिजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप अलाउस फॉर एन इंक्रीज लेजिटमेसी एंड स्टेटस फॉर इंडिया राइट यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बुलाया है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ ट्रंप में कंटिन्यू हुआ बाइडन के अंदर जो है कंटिन्यू हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस डीप एंड पार्टनरशिप इंडिया जिसकी यू नो इंडिया की मेंबरशिप मल्टीपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर ग्रुपिंग्स हैं उसमें चाइना बीन कॉन्स्टेंटली जो है उनको बाहर कर रहा था यूएस कि पुश के कारण इंडिया हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो मिसाइल एम हो आपका वासनार अरेंजमेंट हो इनफैक्ट यूएस जो है इंडिया की मेंबरशिप फॉर एनपीटी जो है उसको भी सप, आ, सपोर्ट कर रहा है जो आपकी एनएसजी है उसको भी सपोर्ट कर रहा है नॉट एनपीटी इंडिया डज नॉट वांट टू साइन एनपीटी सो डिस्पाइट इंडिया नॉट हैविंग साइन एनपीटी एनएसजी जो आपकी न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप है वहाँ पे भी मेंबरशिप के लिए यूएस की कंप्लीट बैकिंग है इंडिया को इट इन फैक्ट इवन वेन इट कम्स टू सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस इंडिया को कैटेगरी वन ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन में प्लेस कर दिया गया है दे बाय प्रोवाइडिंग इंडिया एक्सेस टू अ नंबर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अनादर पॉइंट हाईलाइटेड बाई राकेश सूद इज द इंक्रीज डिफेंस पार्टनरशिप ठीक है ओवर टाइम द काइंड ऑफ एंगेजमेंट एज वेल एज ब्रॉड इन होराइजन तो चाहे आपका थर्ड राउंड ऑफ टू प्लस टू को हमने बात की है क्वार की बात हो एंड इन फैक्ट ट्वेंटी में इंडिया ने पहली बार अटेंड की एक मीटिंग आल्सो ऑफ द फाइव आईजिकली इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है जो कि 1941 के अंदर जो यूएस के अलाइज थे उनके साथ सेटअप की गई थी इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके एंड यूएस और अब इंडिया ऑल्सो गॉट एन ऑपरचुनिटी टू अटेंड दिस मीटिंग देन वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया की जो कैपेसिटी है टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन साउथ एशिया एंड इंडो इंडो पैसिफिक उसको भी बॉलस्टर कर देती है यूएस के साथ जो पार्टनरशिप है ठीक है इन अ नंबर ऑफ वेस राइट सबसे पहले तो आप हाईलाइट कर सकते हैं जो फाउंडेशनल लॉजिस्टिक्स एंड अदर एग्रीमेंट्स चार जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं एंड फोर ऑफ देम यूएस हैज साइंड विद इंडिया कौन-कौन से हैं ये आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जिसके थ्रू जो क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है वो शेयर की जा सकती है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। देन यू हैव द लेमो द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जहाँ पे दोनों जो है यूज कर सकते हैं एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज रिप्लेनिश करने के लिए अपने वेरियस व्हीकल्स एट्सेट्रा को ठीक है तो अगर यूएस की कोई शिप्स एट्सेट्रा है वो इंडिया में आके यू नो मेंटेनेंस फूड वाटर क्लोदिंग एट्सेट्रा कोई भी ऐसे लॉजिस्टिकल आइटम्स जो हैं इंडिया बेस्ड मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे अवेल कर सकते हैं एंड वाइसा वासा देन यू हैव द वेरी इंपॉर्टेंट कॉमकासा विच इज योर कम्य कम्युनिकेशन कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट जिसके थ्रू जो है सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है सिक्योर है सीक्रेट है जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो सकती है इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है बेटर की जा सकती है स्पेशली इंडिया के लिए बहुत रेलिवेंट है बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ बिलिजरेंट कंट्रीज ठीक है पाकिस्तान है चाइना है बांग्लादेश श्रीलंका का पता नहीं लगता अदर टाइम तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन यू ऑल्सो हैव द बेका अग्रीमेंट विच इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव अग्रीमेंट जिसके थ्रू आप जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैपिंग एरोनोटिकल चार्ट जो हैं आप शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी मिलिट्री uh, जो फैसिलिटीज हैं जो मिलिट्री नेवी uh, uh, एयरफोर्स को आप बेटर एक्सेस दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है कहाँ पे हमारी ज़रूरत है तो बेका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके थ्रू जो है इंडिया की अब जब कैपेसिटी है टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन वो इंक्रीज हो जाती है साथ ही साथ में विद अ पार्टनरशिप विद यू अब दोनों चाइना एंड पाकिस्तान को भी डर लगेगा कि अगर हम इकट्ठे होकर इंडिया के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं डो फ्रंट वॉर करने की कोशिश करते हैं इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाई यू टू काउंटर दिस अटैक ठीक है देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज ऑल्सो अलाउड फॉर इंडिया टू हैज इट्स डिफेंस बेट्स अभी जो है इंडिया बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है टू अ सर्टन डिग्री ऑन रशिया अभी भी इंडिया जो है डिफेंस रिलेशन कंटिन्यू कर रहा है रशिया के साथ पर साथ ही में यूएस केन बी अ वेरी वेरी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव स्पेशली ड्यू टू द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन रशिया एंड चाइना एंड ऑल्सो विद पाकिस्तान तो ना विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यू एस इंडिया uh, जो है एक सेकेंड बेट एक ऑल्टरनेटिव भी जो है अरेंज कर सकता है तो इंडिया अब जो है सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट बन गया है फ्रॉम यूएस के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट तो चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो ग्लोब मास्टर्स हो पोसाइडन एयरक्राफ्ट हो हर चीज़ में जो है इंडिया को एक्सेस मिल गया है देन वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड अग्रीमेंट्स बट यूएस के साथ पार्टनरशिप जो है इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट ड्यूरिंग द ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्लस टू डायलॉग इनोगुरल जो पहली बार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनिक्स समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था जिसके थ्रू जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको भी मैसेवली इंकरेज किया जा रहा है टू डेवलप कोऑर्डिनेशन विद यूएस साथ ही में इंडिया की जो 2020 की इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है उसके थ्रू एक बहुत ही लिबरल पॉलिसी डिवाइस कर दी गई है ऑफ एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर विद ग्रेटर प्राइवेट इंगेजमेंट जहां पे यूएस एंड इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की जो कोऑर्डिनेशन है टू प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट वो कंसिडरेबली इंप्रूव हो जाएगी ठीक है तो इसके थ्रू अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और इंडिया के पास एक मैसिव डिफेंस बेस जो है ये क्रिएट हो सकता है बाय ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग एंड लीडिंग टू आपका आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते रहते हैं ठीक है Now, despite all these developments, there are certain challenges that continue to impede the India-US partnership. सबसे पहले तो Man Jacob कहते हैं कि देखिए, US जो है सबसे बड़ा रियलिस्ट कंट्री है हम बात करते हैं चाणाक्य नीति की US हमसे भी आगे है when इट कम्स टू तो चाणक्य नीति US के लिए इंटरेस्ट मैटर फ्रेंड्स कैन चीज ठीक है तो इसीलिए डिस्पाइट वॉट एवर यूएस माइट से हैप्पी मन जेकअब कहते हैं कि इंडिया इज अ कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर इंडिया शुड ऑलवेज टेक इट विद अ पंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज यू नेवर नो विद यूएस ठीक है तो जरूरी है कि इंडिया इन इश्यूज को भी याद रखे देन वेरी इंपॉर्टेंटली लेफ्टिनेंट जनरल फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर्ड है अनिल आहूजा ये आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह से अभी भी देर इज नीड वो एक्सपैंड रिलेशन राइट? तो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं बल्कि एक ओवरबर्डन पिलर बन गया है जो इंडिया यूएस की स्ट्रेटिजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है अब जरूरी है दैट वी स्टार्ट इंगेजिंग ऑन अदर वर्टिकल्स आल्सो। सो चाहे वो डिजिटल इश्यूज हो साइबर सिक्योरिटी हो हेल्थ हो एग्रीकल्चर हो एनर्जी हो इकोनमी हो इन सब के ऊपर भी रिलेशन बनाना ज़रूरी है ताकि सिर्फ डिफेंस एंड स्ट्रटिजिक सिक्योरिटी का जो सेक्टर है वो ओवरबर्डन ना हो जाए देन वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोफेसर कांती वाजपेई ऑल्सो हाईलाइट सर्टन प्रॉब्लम एरिया फॉर एग्जाम्पल पहली चीज वो कहते हैं जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं यूएस की इट्स फॉर एग्जाम्पल अगेन जो रियलिज्मि है, है यूएस का जहां पर फ्रेंड्स आर सेकेंडरी टू इट्स इंटरेस्ट इट्स अ फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान uh, को लेके जो इशू निकल के आया जहाँ पे यू एस एंडली राइट जो उनका फेलियर था एक मैसिव फेलियर था यूएस का सिमिलरली पॉलिटिकल डिसयूनिटी अफगानिस्तान में नहीं यूएस में सो इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बीच में विच कैन हैम्पर रिलेशंस विद इंडिया एज वेल देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो यूएस की इकोनमी है वो भी हैज़ नॉट रियली कम बैक सिंस द टू थाउजेंड एट रिसेशन इनफैक्ट कोविड नाइन्टीन पैंडमिक जो है फर्दर इट हिटेड वेरी हार्ड देन द ऑन गोइंग ट्रेड वॉल्स वॉर्स विथ चाइना के कारण भी जो है यू एस काफ़ी ज्यादा सफर कर रहा है तो इन फ्रांस पर जो है भी जो है मैसेव प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा अगेन सर्टन यू नो सर्टेन पॉलिसीज एंड कॉमेंट्स बाय यूएस एस ऑन इंडियाज डोमेस्टिक मैटर्स कैन ऑल्सो बी अ बोन ऑफ कंटेंशन, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन माइनॉरिटीज़ इशूज़ के ऊपर जो है यू की रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आई हैं विच हैज रली विच हैवेंट रियलीट सिट वेल विद द इंडियन गवर्नमेंट सिमिलरली इंडिया जो है अभी भी बहुत एम्बिग्वस रहता है वेन इट कम्स टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस जहाँ पे इंडिया हैज़ रियली कम आउट अगेंस्ट रशिया साथ ही साथ में अभी भी पाकिस्तान को लेके जो है इंडिया जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है काफी है तो बहुत ही जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वो फॉलो करते रहते हैं तो पाकिस्तान के साथ एक लव एंड हेड रिलेशनशिप जो है यूएस का चलता रहता है विच कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर इंडिया देन वेरी इंपॉर्टेंटली शिवशंकर मेनन भी हाईलाइट करते हैं कि एक मैसिव क्रिएटिव टेंशन जो है चल रही है अभी भी यूएस एंड इंडिया के बीच में जहां पे एटलीस्ट इंडो पैसिफिक ईस्ट एशिया में तो कन्वर्जेंस हो गई है बट मिडिल ईस्ट में डिस्पाइट द कमिंग अप ऑफ कॉर्ड इन वेस्ट ऑल्सो एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं बैठी है इंडिया एंड यूएस की वेन इट कम्स टू डीलिंग विद वेस्ट राइट फॉर एग्जाम्पल ईरान इज अ प्रॉब्लम एरिया ईरान के साथ यूएस की बिल्कुल नहीं बनती बट इंडिया के साथ पुरानी पार्टनरशिप रही है लेकिन तो ये इश्यूज जो है कंटिन्यू टू परसिस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हाउ एवर डिस्पाइट दीज हर्डल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और अदर इंटरेस्ट बट इन फैक्ट वेन वी टॉक अबाउट रियलिज्म एंड स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप इंडिया एंड यूएस बोथ स्टैंड टू गेन फ्रॉम डेवलपिंग एंड डीपनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड अगर दोनों कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पार्टनरशिप बढ़ा के दोनों ही दोनों को जो है एक फ़ायदा होने की चांसेस uh, uh, है एक सम अप्रोच फॉलो होने के चांसेस हैं ठीक है सो ऑन दिस नोट यू कैन एंड द आंसर एंड इट केन बी अ वेरी वेरी होलिस्टिक आंसर व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएस की पार्टनरशिप